कुलदीप बिश्नोई ने मारा निशाने पर तीर। खट्टर और बिश्नोई की मुलाकात से कांग्रेस में मची अफरा तफरी। राहुल गांधी ने भी डाला कुलदीप बिश्नोई के जख्मों पर नमक। मान सम्मान न मिलने के कारण बड़े बड़े नेता हो रहे हैं पार्टी छोड़ने को मजबूर। कुलदीप बिश्नोई के जख्मों पर खट्टर लगा रहे हैं मरहम। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हुई मुलाकात के बाद हरियाणा की राजनीति में अफरा तफरी मची हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बढ़ रही कुलदीप बिश्नोई की नजदीकियों ने तपती गर्मी में हरियाणा की राजनीति का पारा शिखर पर पहुंचा दिया। कुलदीप बिश्नोई प्रदेश अध्यक्ष का पद न मिलने से लगातार कांग्रेस हाई कमान से नाराज चल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस हाईकमान से चल रही है उनकी नाराजगी का फायदा उठाकर एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश में है। उनकी इस नाराजगी में आग में घी डालने का काम राहुल गांधी ने किया है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई पिछले लंबे समय से राहुल गांधी से मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कुलदीप बिश्नोई का दर्द बांटने की बजाय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और अन्य कार्यकारी अध्यक्षों से मुलाकात करके उनकी पीठ थपथपाने के साथ साथ कुलदीप बिश्नोई को मुलाकात का समय न देकर कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थकों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। संकट में घिरी कांग्रेस पार्टी को अधर में छोड़कर राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर चले गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कुलदीप बिश्नोई के बीच आदमपुर हलके की समस्याओं के बहाने हुई लंबी मुलाकात कई राजनीतिक संकेत दे रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी कुलदीप बिश्नोई के कहने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आदमपुर हलके को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी थी, जिससे भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट भी आग बबूला हो गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुलदीप बिश्नोई के साथ जिस तरह से प्रेम बढ़ा रहे हैं उससे कांग्रेस नेताओं के भी कान खड़े हो गए हैं और कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कुलदीप बिश्नोई से फोन पर बात करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया है कि जल्द ही उनकी मुलाकात राहुल गांधी से करवाएंगे। जो मान सम्मान देने की बात कांग्रेस पार्टी में शामिल करते हुए कुलदीप बिश्नोई को कही गई थी उन वायदों पर अब तक कांग्रेस हाईकमान खरा नहीं उतर पाया और उनको हल्के में लेती रही। दिग्गज नेताओं को हल्के में लेना कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान नहीं मिलने के कारण पार्टी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। उससे देश पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी की नैया लगातार डूबती जा रही है।